अमदावादना साबरमती निकळेली दांडी यात्रा सूरतना डिंडोलीमां पहोंची जेमां गोवाना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पण जोड़ाया छे। दांडी यात्रा कतार गाममां थईने डिंडोली प्राथमिक शाळाए पहोंची त्यारे डिंडोलीमां दांडी यात्रानुं भव्य स्वागत करवामां आव्युं। आजादीना 75 वर्ष पूरा थवा पर आजादीनो अमृत महोत्सव उजवाई रह्यो छे, जेमां ऐतिहासिक दांडी यात्रा ने अमदावादना साबरमती आश्रम थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए प्रस्थान करावियुं हतुं, जेमां पदयात्रीओ दांडी यात्रा साथे आजे डिंडोली पहोंच्या ज्यां फूलोथी तेमनुं स्वागत करवामां आव्युं। गोवाना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पदयात्रीओ साथे जोड़ा हता। महत्वनुं छे के एप्रिले दांडी यात्रा नवसारीना ऐतिहासिक दांडी पहोंचशे, ज्यांथी गांधीजीए चपटी मीठू लई अंग्रेजोना कायदानो भंग कर्यो हतो। ते स्थळे 6 एप्रिले दांडी यात्रा पहोंचशे। बारमी मार्चना रोज देशना वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी द्वारा साबरमती आश्रम थी दांडी यात्रा खुल्ली मुकवामां आवी हती, ते आजे सूरत खाते आवी पहोंची छे। आप सीधा दृश्यो जोई शको छो, अहीं रिंग रोड खाते आजे दांडी यात्रा छे, ते दांडी यात्रा आवी पहोंची छे, जेमां गोवाना जे सीएम छे प्रमोद सावंत पण आजे रेली छे ते रेलीमां जोडाया छे। त्यारे तेमनी साथे आपणे वातचीत करवानो प्रयास करीशुं के तेओનो शुं કહે। जी सर, दांडी यात्रा में जुड़े हुए क्या कहो? दांडी यात्रा में जुड़े हुए क्या कहोगे सर? मेरा ये सौभाग्य है कि इस दांडी यात्रा में मुझे सहभागी होने के लिए मिला। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दांडी यात्रा स्टार्ट की है, उस दांडी यात्रा से जो मीट का सत्याग्रह जो देश में 1930 में बना था, इसे फिर एक बार इस अमृत महोत्सव के वर्ष में हम याद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देशवासियों को फिर से उसी राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए एक मौका मिला है और डेफिनेटली सभी देशवासी इस अमृत महोत्सव में फिर से एक बार भारत विश्व गुरु बनाने के इसमें जुड़े रहेंगे। सर, खासतौर पे कलकत्ता इलेक्शन की बात की जाए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहाँ पे प्रचार के लिए दिखे ही नहीं, क्या कहोगे? मैं उसके पक्ष के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत रही है। सर, दीदी बौखला गई है, क्या कहोगे इस बार का इलेक्शन क्या कह रहा है? जब भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो वही दीदी को दर्द हो रहा है, इसी के लिए मुझे लगता है कि दीदी बौख रही है। जी, आप जे रीते जो रीते गोवाना सीएम जे छे ते आजे અહીં જે દાંડી યાત્રા છે તે દાંડી યાત્રામાં જોડાઈ ગયા છે। ખાસ કરીને જે દાંડી યાત્રા છે તે સુરતના કતગામ વિસ્તારથી નીકળી હતી અને આ જે દાંડી યાત્રા છે તે હવે ઉદના દરવાજા પર પહોંચશે, ત્યાં તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ આ જે રેલી છે તે યાત્રા અહીં જે ડિંડોલી છે તે ડિંડોલીની સરકારી સ્કૂલ ખાતે પહોંચશે। જો કે તે પહેલાં સીધા દ્રશ્યો જોઈ શકો છો, મોટી સંખ્યામાં જે લોકો છે તે લોકો પણ અહીં જોડાયા છે। ખાસ કરીને ગાંધીજીના જે દાંડી યાત્રા છે તે દાંડી યાત્રા લોકોમાં જીવંત બની રહે તેવા અર્થાત પ્રયાસો અહીં કરવામાં આવ્યા છે। કેમેરામેન દેવાંગ રાણા સાથે ચેતન પટેલ, ઝી મીડિયા, સુરત।